धूमधाम से मनाया जा रहा है भैया दूज का पर्व। रोडवेज पर बहनों की जुटी भीड़। भाई दूज का त्योहार देश भर में 16 नवंबर 2020 यानी सोमवार को मनाया जा रहा है। भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत पूजा और कथा आदि करके अपने भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाती हैं। इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए तोहफा भी देते हैं। इस पर्व के अवसर पर मुरादाबाद में बड़ी संख्या में रोडवेज पर बहनों की भीड़ देखी गई, जहाँ बस में सवार होकर बहनें अपने भाइयों के पास जाते हुए दिखाई दी। इस मौके पर रोडवेज ने बहनों के लिए बसों का प्रबंध किया था। जानकारों के अनुसार भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में ही बहनों को भाई के माथे पर टीका लगाना चाहिए। मान्यता की है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बस सभी लोग जा रहे हैं, यात्री लोग उन्हीं के साथ हम भी जा रहे हैं। बस तरह की भीड़ में आप लोग बहुत सारी भीड़ है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानी हो रही है सबको, और सभी अपने अपने घर सही से जाएं, भाइयों के भैया दूज करें। बरेली जा रहे हैं।
संगीता जी आज भैया दूज है, क्या क्या तैयारी कर रखी है? तैयारी भाई के लिए करना पड़ता है, जो तैयारी करनी पड़ती है, मिठाइयाँ आए, फल फ्रूट हैं, सभी चीजें मतलब भाइयों के लिए ले आनी पड़ती हैं। बरेली जा रहे हैं अपने मायके, भैया के यहाँ, भाई दूज पे। अच्छा लग रहा है, भीड़ काफी हो रही है, अच्छा मतलब लग रहा है देख देख के कि भीड़ इतने अपने सब भाइयों के लिए जा रहे हैं। पूजा पूजा जी आज भैया दूज है, क्या क्या तैयारी कर रखी है? सर आज भैया दूज है, आज इस तैयार भाई बहनों का प्यार है, आज हम अपने घर से अपने घर जा रहे हैं, भाई बहनों का प्यार है, त्योहार है भैया दूज का, मिठाइयाँ गोला लेके जा रहे, भाई बहनों का प्यार बना रहा है हमेशा। और मैं मुरादाबाद से किच्छा जा रही हूँ। तैयारी तो काफी दिन से लगा रहता है, निकले हम आज ही है, जाएंगे तिलक करेंगे, भैया को गोला देंगे, मिलेंगे परिवार से भी मिलेंगे, अपने सबसे मिलना जुलना भी होगा। तो अरे बहुत बड़ा पर्व है, मन में बहुत खुशी भी होती है, उमंग भी मस्ती है, अपने परिवार से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, करना पड़ रहा है, बस भी नहीं मिल रही है, दिक्कत भी हो रही है और टाइम भी काफ़ी लग रहा है। हम सोच रहे अपने अपने घर भाइयों के पास टाइम से पहुँचे, वो बस नहीं मिल रही है, दिक्कतें तो हो ही रही है। मैं शिव बालक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, पीतल नगरी डिपो। मैंने देखिए दीपावली के दृष्टिगत सभी मार्गों पर गाड़ियों की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आज जो चूँकि दौज है, भैया दौज को देखते हुए भीड़ अधिक निकलने की संभावना थी, इसलिए संभल, चंदौसी, बदायूं, बरेली, आगरा, अलीगढ़, हल्द्वानी, रामनगर सभी रूटों की बसें भरपूर लगा रखी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ियों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं और बराबर सवारियां भर रही हैं और जा रही हैं अपने गंतव्य के लिए। जी पर्याप्त बसें हैं हमारे पास, 159 बसें हैं, वो सभी संचालित हो रही हैं, कोई परेशानी नहीं अभी तक। बराबर जब से दीपावली का त्यौहार शुरू हुआ है, लखनऊ, गोरखपुर, रामनगर, हल्द्वानी, अलीगढ़, आगरा, चंदौसी, बदायूं, संभल मार्ग पर किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई, बराबर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।